खरीफ का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में किसान अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। इस दौरान दलहन की भी खेती की जाती है। अरहर की खेती किसानों को अच्छा मुनाफा वाला सौदा हो सकता है। इसके लिए कुछ खास प्रभेद और खास प्रबंधन की जरूरत होती है। तो एक कृषि वैज्ञानिक सर से जानते हैं कि क्या कुछ खास है और कैसे इसमें प्रबंधन कर सकते हैं। खास करके इस एरिया में अरहर की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है पलामू जिले में। पलामू जिला के साथ साथ आप बोल सकते हैं कि पलामू के मंडल जैसे गढ़वाल आते हैं, कुछ जिले भी शामिल होते हैं। और दूसरी बात किसान भाई है कि केंद्र सरकार का भी बहुत इसमें योगदान है और इसको बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ से एक किस्म विकसित किया गया है बिरसा अरहर 3। तो इसकी खेती किसान भाई कर सकते हैं और उपज भी जो है इसमें जो परंपरागत तरीका का जो बीज लगाते हैं उससे जो है 10 से 15% उपज में वृद्धि होती है। दूसरी बात आती है कि बीज दर इसको क्या होनी चाहिए और दूरी कितनी होनी चाहिए। अमूमन किसान भाई क्या करते हैं कि छींटा विधि से करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ज़्यादा बीज गिर गए, कहीं नहीं गिरा, कहीं कम गिरे। तो कहने का मतलब कि एक इकाई क्षेत्र में जितने पौधों की संख्या होनी चाहिए उतना नहीं, कहीं आपका ज़्यादा हो गया तो आपस में ही कंपटीशन हो जाएगा। इस क्षेत्र में कहने का मान लीजिए 1 स्क्वायर मीटर में 10 पौधा रहना चाहिए, तो कहीं छिटा भी नीचे करते हैं तो ज़्यादा गिर जाता है, 10 के जगह 15 हो जाएगा। तो जो 5 जो पौधे एक्स्ट्रा हो गए वो आपस में कंपटीशन करेंगे, तो जितना उनको खुराक मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता, जिसके चलते उपज में कमी आती है। तो एक जो है लाइन से या अरहर जो आप खेती करते हैं तो हल के पीछे भी किसान भाई लगा सकते हैं और 30 सेंटीमीटर का दूरी जो है उसको मेंटेन। इसी तरह बीज उपचार जो है करके किसान भाइयों को बुआई करनी चाहिए। ये जो एक तरह से टीकाकरण होता है जो रोग व्याधि से लड़ने में मदद करता है। कार्बेंडाजिम नाम का एक रासायनिक दवा है, नाम है, जो साफ के नाम से आता है। उसको आप यदि मान लीजिए 5 किलो बीज लगा रहे हैं बुआई करने के लिए, तो 2 ग्राम प्रति किलो की दर से, यानी कि 10 ग्राम, 5 किलो है तो 5 दुनी 10, 10 ग्राम आप जो है पाउडर उसके ऊपर डाल दीजिए और अच्छा से जो हल्का सा पानी डाल के मिला दीजिए, यानी कि खबेड़ दीजिए, लोकल भाषा में जो बोलते हैं। उससे क्या होगा कि चारों तरफ उसकी पतली परत जो है, जो पाउडर आपने दिया है वो सट जाता है, पानी से भी दिया जाता है हल्का कि वो सट जाए बीच के ऊपर, सतह जो है एक बना ले। और इसको बुआई जिस दिन करना है उस दिन करते हैं और 4 घंटे लगभग जो है छाया में इसको जूट का मोड़ा पर रख करके छोड़ दीजिए और इसके बाद बुआई में लगभग आपका जो है 4 से 5 क्विंटल तक ले सकते हैं। तो किसान भाई समझिए अभी जो अरहर है वो 70-75 रुपये किलो बिकता है, तो वो घर पर आ करके जो व्यापारी है उन्हें जाते हैं। इसकी बुआई जो किसान भाई जैसे ही बारिश शुरू होती है जून के महीने में उसी समय किसान भाइयों को लगा देना चाहिए, क्योंकि देर से लगाने पर क्या होता है कि उपज में कमी आती है।